हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ JNK के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम हिस्ट्री ऑफ JNK के बारे में जो टॉप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि आपको पता होना चाहिए JNK के बारे में, जो कि एक मच ब्रॉडर एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया हुआ है JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में। हमारी आज की वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ JNK के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम 20 क्वेश्चंस जो कि टॉप एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बारे में हम करने वाले हैं। JNK के बारे में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दूंगी, प्लस अगर आपको फर्दर डिटेल्स में टॉपिक चाहिए होंगे तो उसके लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। मैं JNK की बात करूँ तो JNK जो है इट इज़ अ स्टेट फ्रॉम 1954 टू 2019। ये 1954 से लेकर 2019 तक एक स्टेट ही थी, बट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये स्टेट से इसको यूनियन टेरिटरी का जो उसको जो नाम था वो दे दिया गया था। 2019 तक इसको स्टेटहुड का ही कंसेप्ट दिया गया था। 2019 के बाद क्या हो गया था, अभी ये यूनियन टेरिटरी है और इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो JNK ही है। इसको हम ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं, हेवन ऑफ अर्थ। बेसिकली अर्थ का जो हेवन है वो इसी को कहा गया, JNK को ही कहा गया। यहाँ पे ग्लोबली जो टूरिस्ट है वो आते हैं हर साल। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए, तो आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न JNK। जो मॉडर्न JNK उसकी फाउंडेशन किसने ले की थी, वो थे महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने ही मॉडर्न JNK की जो फाउंडेशन है वो की थी। इससे पहले ये ब्रिटिशर्स के पास हुआ करता था JNK भी पार्ट। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज। जो लास्ट JNK के रूलिंग महाराजा कौन से थे, वो थे महाराजा हरि सिंह। आपने सुना ही होगा जम्मू में इनका फेमस फोर्ट भी है, महाराजा हरि पैलेस, तो काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। तो लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ JNK कौन थे, वो थे हरि सिंह। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वॉट डज द वर्ड कश्मीर मीन्स। कश्मीर का क्या मतलब है, का मीन्स वाटर एंड शमीरा means to desiccate। तो कश्मीर का मतलब हुआ land desiccated from water, तो मतलब कोई चीज़ पानी से ही बनी हुई है। आपने अगर जिसको पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ, श्रीनगर जो है वो पहले पूरी सिटी नहीं थी, वो वहाँ पे ऑल ओवर वाटर था, वहाँ पे सिर्फ पानी पानी था। और अभी भी अगर वहाँ पे आप घर देखोगे तो वो पानी के ऊपर ही बने हुए हैं। तो कश्मीर का मतलब हो गया लैंड डेडिकेटेड फ्रॉम वाटर, लैंड जो कि वाटर से ही डेडिकेट हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ कश्मीर। कश्मीर की फर्स्ट लेडी रूलर कौन थी, वो थी डीडा। डीडा जो है वो कश्मीर की फर्स्ट लेडी रूलर थी। इनको क्वीन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। तो जो लास्ट जो फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ कश्मीर जो थी वो कौन थी, वो थी डीडा, जिनको क्वीन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ मेडिवल कश्मीर इज़। मेडिवल कश्मीर के जो लास्ट हिंदू रूलर वो कौन थे, वो थे अर्बन देव। अर्बन देव जो हैं वो लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वॉज साइंड ऑन। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था वो कब साइन किया गया था, वो साइन किया गया था 26 अक्टूबर 1947। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की बात करूँ तो इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, और जो कि यूज़ में लाया गया था 1947 में। तो जो JNK का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था वो साइन किया गया था 26 अक्टूबर 1947 में। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, हु आर द सिग्नेटरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के जो सिग्नेटरीज थे जिन्होंने साइन किया था वो, तो वो कौन थे, वो JNK, महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ऑफ इंडिया, इन्होंने ही जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था वो साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन केम इन टू फोर्स इन JNK फ्रॉम। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन है वो JNK में कब स्टार्ट हुआ हो गया था, कब चालू हो गया था, वो था 27 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो था वो JNK में एग्जिस्टेंस में आ गया था। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है, मुगल पीरियड लास्टेड इन कश्मीर फ्रॉम। कश्मीर में अभी ये तो डोगराज के रेन से पहले, ब्रिटिशर्स के रेन से पहले काफ़ी लोग अपना राज्य इसमें कर चुके हैं, जिसमें से अगर मुगल पीरियड की बात करूँ तो 1587 से 1752 तक इनका जो है वो पीरियड रहा था, इनका जो रूलिंग पीरियड रहा था।
नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, शालीमार एंड निशान गार्डन इन कश्मीर वर वर्ल्ड वाइड। शालीमार गार्डन और निशान गार्डन के बारे में आपने सुना होगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको इस बारे में बताया हुआ है। आपको अगर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में या MCQs चाहिए होंगे तो वो भी मैंने पिछली वीडियोस में दे रखे हुए हैं, तो आप चाहो तो उन पे भी जाके क्लिक कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ रही हूँ। तो शालीमार और निशान गार्डन जो थे वो जहांगीर ने बनाए हुए थे, दोनों ये जहांगीर ने बनाए हुए हैं। तो कश्मीर के ये जो दोनों गार्डन्स हैं, शालीमार और निशान, ये दोनों जहांगीर की प्रेजेंस में बनाए गए थे, मुगल सम्राट के, मुगल पीरियड के टाइम के। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ JNK एंडेड डोगरा हेरिडिटरी रूल ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी JNK की, उसने डोगरा हेरिडिटरी का जो रूल है वो एंड कर दिया था। कब वो एंड किया गया था? 26 जनवरी 1957 में डोगरा जो हेरिडिटरी रूल चला रहा था वो ख़त्म हो गया था, जो कि ख़त्म किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ JNK। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, गार्डन ऑफ चश्मेशाही वॉज बिल्ड बाई। चश्मेशाही गार्डन किसने बनाया था जो कि श्रीनगर में है? वो बनाया गया था बाय शाहजहां। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड अफगान रूल इन कश्मीर। अफगान्स ने कश्मीर में कितने टाइम तक रूल किया था? 1752 से लेके 1819 तक। तो ये इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1752 से लेके 1819 तक। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू। जम्मू सिटी को किसने फाउंडेशन की थी जम्मू सिटी की? वो थे राजा जम्बू लोचन। यूजुअली इसका जो पहले अर्लियर नेम था वो जम्बूपुर था, जम्बूपुर भी राजा जम्बू लोचन ने ही दिया था। क्या हुआ था कि 14th सेंचुरी में जब राजा जम्बू लोचन थे, वो अपनी एक हंटिंग कैंपेन के ड्यूरिंग ही उन्होंने क्या हुआ था, उन्होंने तवी रिवर में देखा था कि यहाँ पे एक गोट और एक लायन एक ही साथ एक जगह से पानी पी रहे हैं। तो उसी इंसिडेंट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक हम सिटी जो है उसकी फॉर्मेशन करेंगे, और उसी सिटी का जो नाम है उसको जम्मू नगर रखा गया था, जिसको लेटर उसका नाम चेंज करके जम्मू कर दिया गया। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, हाउ डिड डोगरा पीरियड स्टार्टेड इन कश्मीर। डोगरा पीरियड है जो है कश्मीर में, वो कब और कैसे स्टार्ट हुआ? तो क्या हुआ था कि एंग्लो सिख वॉर जो 1846 में लड़ी गई थी अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ कश्मीर, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने सोल्ड किया था कश्मीर को, ख़रीदा था महाराजा गुलाब सिंह ने फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एट द प्राइस ऑफ 7.5 लाख की कीमत से। महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया था कि कश्मीर को ब्रिटिशर्स से ख़रीदा था। और जो प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK है, इसको अगर इसकी बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट है ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको बनाया गया था तब। और ये जो गुलाब सिंह थे, महाराजा गुलाब सिंह थे, उन्होंने ही इसकी जो वैली की कंडीशन है उनको इम्प्रूव करके इसको एक ट्रू जन्नत, जिसको हेवन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, उसकी फॉर्मेशन की थी। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, महाराजा गुलाब सिंह एंटर्ड श्रीनगर ऑन। महाराजा गुलाब सिंह ने की एंट्री कब हुई थी श्रीनगर में? तो वो हुई थी 9th ऑफ नवंबर 1848 में ऑफिशियली जो है महाराजा गुलाब सिंह की एंट्री जो है वो श्रीनगर में हो गई थी। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, हु फाउंडेड बहू फोर्ट। बहू फोर्ट किसने बनाया था? बहू फोर्ट की कंस्ट्रक्शन में और क्या किसने बनाया था? वो था बहुलोचन। बहुलोचन कौन थे? ब्रदर ऑफ जम्बूलोचन। और जम्बूलोचन ही वो इंसान थे जिन्होंने जम्मू की जो वो फाउंडेशन की थी, जम्मू को जम्बू नगर भी कहा जाता था, और बहुलोचन जो उनके ब्रदर थे उन्होंने ही बहू फोर्ट की कंस्ट्रक्शन की थी। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ हडापीज रिवर वॉज फॉट बिटवीन। जो बैटल ऑफ हडापीज रिवर थी वो किसके बीच में लड़ी गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलेक्जेंडर एंड द इंडियन किंग पोरस। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में 326 BC में ये जो बैटल है ये लड़ी गई थी, जिसमें पोरस जो था वो हरा दिया गया था वाई अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कश्मीरी नेम फॉर रिवर झेलम। रिवर झेलम जो है श्रीनगर की, तो रिवर झेलम जो है JNK की, उसका जो है कश्मीरी नाम क्या है? तो इसका कश्मीरी नाम है वेट रिवर। वेट जो है वो कश्मीरी नाम उसको दिया हुआ है रिवर झेलम को। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है,
हु बिल्ड रघुनाथ टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल किसने बनाया था? तो ये जो मंदिर है, ये रघुनाथ टेम्पल जो जम्मू का एक पार्ट है, जम्मू में बनाया गया है, ये टेम्पल बनाया गया था 1822 और 1860 के इस टाइम पीरियड में बाई महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा, और उसके उनके जो बेटे थे महाराजा रणबीर सिंह, रणबीर सिंह और महाराजा गुलाब सिंह दोनों की हेल्प से ये जो मंदिर है, ये जो टेम्पल है, इसकी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हुई थी। तो ये थे आज के हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ JNK के ऊपर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट रहा होगा तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको शेयर करना मत भूलो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो वो भी सब्सक्राइब कर दो। हम आपके लिए डेली की वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड, हमारा नंबर ऑफ़ वीडियोस अपने चैनल में डाल चुके हैं। आप चाहे तो हमारे वीडियोस और प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे जो भी आपको डिटेल की वीडियो चाहिए होगी आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। बस अगर आपको किसी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, मैं उस पे ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। डाउट्स रहते हैं तो वो भी क्लियर कर लिया करो अपने, और बेल आइकन को दबा दो ताकि अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ आने वाली हैं हिस्ट्री ऑफ JNK के ऊपर, जो दूसरी वीडियोज़ आने वाली है, प्लस मैनी मोर टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो लाने वाले हैं, तो उनके भी आपको लिंक्स है वो डायरेक्टली प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू।